वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा बाय जय मलिक। आई एम जेपी मलिक बिफोर यू। टुडे वी विल डिस्कस नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंकिंग रूल्स। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है, कौन नॉमिनेट कर सकता है, कौन नॉमिनी हो सकता है, हु कैन नॉमिनेट, हु कैन बी नॉमिनेटेड, तो ये सब बताएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत से लोग नॉमिनेशन नहीं कराते हैं और जिसके चलते उनको समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है और कई बार तो पैसा मिलता भी नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनके लीगल एयर्स को कि उनके फादर या मदर या उनके घर से कोई भी डिपॉजिट होल्डर का पैसा बैंक में है। अतः आइए इस पहले ये समझते हैं कि नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है। नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंकिंग रूल्स, देखिए बैंकिंग में 1985 में रूल आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1949 के बाद 1983 और अब 1985 में बैंकिंग रूल्स ये आए थे कि डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर, इन तीन चीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें नॉमिनेशन कैसे हो ताकि आफ्टर डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर प्रोसीड्स नॉमिनी को आसानी से मिल जाए, लीगल हेयर तक पहुंच जाए। तो ये जो नॉमिनी की बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। इट इज ए राइट टू अपॉइंट ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रोसीड्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर और होल्डर्स। अकाउंट होल्डर दो या दो, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो नॉमिनी हम एक को अपॉइंट करेंगे। सिर्फ देखिए सेफ डिपॉजिट लॉकर को छोड़कर एक ही नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर के विषय में मैं बताऊंगा कि वहाँ अगर दो हैं तो वो किस कंडीशन में दो अपॉइंट हो सकते हैं, नहीं तो वरना एक नॉमिनी एक अकाउंट में एक ही नॉमिनी होता है। तो नॉमिनी जो अकाउंट होल्डर है या जो इन चीजों में डील करता है, वो जो इन्वेस्टर है वो एक नॉमिनी अपॉइंट इसलिए करता है कि इन केस ऑफ हिज डेथ जो उनका प्रोसीड्स है उसकी पेमेंट में कोई बैंक को दिक्कत ना हो। तो इसका एक फॉर्म होता है, वो भर दिया जाता है और उसका रिलेशन वगैरह, एज वगैरह सारा भर दिया जाता है। तो वैसे देखिए ये फॉर्म है तीन, अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट का सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो पासबुक या सेविंग या करंट जहां भी जैसा भी डिपॉजिट है उसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद फिर कभी 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 भी इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। और अगर फिर अगर कैंसिलेशन के बाद वेरिएशन एक नॉमिनी को बदल के दूसरा करना है वो भी कभी भी किया जा सकता है। तो इसके ये तीन फॉर्म हैं। तीन फॉर्म ये है, डिपॉजिट अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के टाइम ये बैंकर के लिए है, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बैंकर के लिए है। कौन सा फॉर्म लेना है तो DA डिपॉजिट अकाउंट DA-1, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन होता है तो DA-1, इसको याद रखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट DA-1, क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा कि नॉमिनी कौन अपॉइंट हुआ है। फिर अगर कैंसिलेशन करना पड़ा दूसरी स्टेज पर तो DA-2 आ जाएगा, वेरिएशन करना पड़ा नाम बदल के कोई दूसरा किया तो DA-3। इसी तरह सेफ कस्टडी में, सेफ कस्टडी 1 में रजिस्ट्रेशन, 2 में कैंसिलेशन और वेरिएशन 3 में। इसी तरह सेफ डिपॉजिट लॉकर में, सेफ डिपॉजिट लॉकर, लॉकर 1 में रजिस्ट्रेशन, 2 में कैंसिलेशन और 3 में वेरिएशन। और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां SL-1A फॉर्म ले आ जाएगा। ये तो खैर फॉर्म की बातें थी। अब अगर देखिए हम डिपॉजिट अकाउंट में कौन कौन से हम
होते हैं हमारा, या तो सेविंग बैंक अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, एफडी होगी, आरडी होगी, इस तरह जो भी जिस भी डिपॉजिट अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट है उसमें हम एक नॉमिनी कर सकते हैं। तो सेफ कस्टडी में क्या रखते हैं? सेफ कस्टडी में एसेंशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा होते हैं, और सेफ डिपॉजिट लॉकर में ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी और भी कोई इंपॉर्टेंट चीजें भी रखते हैं। तो मेन ये ज्वेलरी के लिए रखा जाता है, ज्वेलरी इस सेफ डिपॉजिट लॉकर में आती है। तो हमने क्या करना है कि एक फॉर्म जैसे अकाउंट खुलता है तो एक फॉर्म उन अगर बैंकर नहीं भी कहता है तो आपका आपकी ये नीड है, आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहेंगे नॉमिनेशन करें, और नॉमिनेशन करके पासबुक में उसमें नॉमिनी का नाम भी लिखवा सकते हैं। ये अगर आप एग्री होते हैं तो बैंकर नाम लिखेगा, नहीं तो कुछ लोग नहीं चाहते कि वो किसी का नाम दें, क्योंकि जैसे सपोज किसी फादर किसी के बच्चों के फादर ने अकाउंट खुलवाया और उसके तीन बच्चे हैं तो वो नाम नहीं दिखाना चाहता, वो सोचता है कि दो बेटे नाराज हो जाएंगे, इसलिए तो उसमें क्या होता है कि खाली रजिस्ट्रेशन चढ़ जाता है। तो लेकिन उसमें नेम भी मार्क हो सकता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो अब देखिए, अब है व्हाई नॉमिनेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉमिनेशन क्यों जरूरी है? नॉमिनेशन इसलिए जरूरी है कि अगर नॉमिनेशन नहीं होता है और इन केस ऑफ डेथ तो उसके लीगल हेयर को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, समय और पैसे की बर्बादी होती है। इसलिए सरकार ने नॉमिनेशन फैसिलिटी दी है ताकि वो नॉमिनी उस प्रोसीड्स को आसानी से रिसीव कर सके। भाई नॉमिनी इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें सरकार ने एक फैसिलिटी दी है, और आज आप देखेंगे कि हर बैंक ब्रांचेज हर ब्रांचेज में 25 से 30 और 40 लाख पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने जो एक्सपायर हो गए उन लोगों ने नॉमिनेशन नहीं कराया, क्योंकि वो अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते थे, वो पैसे को बताना ही नहीं चाहते थे कि बच्चे बर्बाद करेंगे या क्या करेंगे, ये सोच करके उन्होंने नहीं बताया, और आज उसका कोई क्लेमेंट नहीं है, उसको लेने वाला नहीं है। अगर नॉमिनेशन होता तो कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनी है वो बैंक जा करके अपना आइडेंटिफिकेशन दे करके आसानी से पैसा ले सकता था। तो नॉमिनेशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर पैसा आसानी से मिल जाए। अब देखिए, हु कैन नॉमिनेट, नॉमिनेट कौन कर सकता है? नॉमिनेट जो है ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट है उनके, चाहे सिंगल अकाउंट है, वो ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रखता है तो वो भी नॉमिनेशन कर सकता है। जितने भी ये अकाउंट होल्डर हैं और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। माइनर कांट, माइनर नहीं कर सकता, माइनर कांट अपॉइंट नॉमिन, बट ही कैन बी नॉमिनी, वो नॉमिनी हो सकता है पर वो अपॉइंट नहीं कर सकता। तो जो भी माइनर है जो 18 साल से कम है, और क्योंकि बैंक में एक फैसिलिटी है कि 10 इयर्स एंड अबव माइनर अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, तो वो नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो
आरईडी और एक कंपनी और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लोग हैं, जैसे पार्टनरशिप कंपनी कोई फर्म, वो नॉमिनेशन की फैसिलिटी उनको नहीं है। नो फैसिलिटी टू कंपनी पार्टनरशिप एटसेट्रा एसोसिएशन ट्रस्ट, इनको ये नहीं है फैसिलिटी। अब ये देखिए, हु कैन बी नॉमिनेटेड, कौन नॉमिनेट हो सकता है, हु कैन बी नॉमिनेटेड, नॉमिनी कौन बन सकता है। तो देखिए, प्रेफरेबली वन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु इज मेजर और माइनर, कोई भी व्यक्ति जो फैमिली मेंबर क्यों कहता हूं, क्योंकि ट्रस्ट की बात है यहां पर, क्योंकि उसे पैसे का मसला है और ट्रस्ट की बात है, तो फैमिली मेंबर्स में जैसे फादर का अकाउंट है तो किसी सन को या स्पोज में किसी को, या मेजर कोई भी मेंबर जो फैमिली मेंबर है उसको रखते हैं। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रेंड को भी इसमें नॉमिनेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्योंकि ट्रस्ट का सवाल है तो प्रेफरेबली वन ऑफ फैमिली मेंबर्स हु इज मेजर और माइनर। माइनर अगर उसको बनाते हैं तो माइनर के केस में उसको लॉफुल एंटाइटल्ड व्यक्ति का नाम भी देना होगा, क्योंकि माइनर ड्यूरिंग माइनॉरिटी उस प्रोसीड को रिसीव नहीं कर सकता। तो वहां पर जैसे माइनर को आपको नॉमिनी बनाया, तो माइनर के साथ लॉफुल एंटाइटल्ड कौन होगा, या फादर या मदर, इस तरह कोई व्यक्ति का नाम दिया जाएगा। हाँ, अगर वो मेजर हो जाता है तो फिर नॉमिनी, अगर वो मेजर है माइनर की जगह मेजर हो गया, तो उसको ये प्रूफ दे करके वो ये डील कर सकता है। तो ये था फैमिली मेंबर्स मेजर और मेजर। अब देखिए, राइट ऑफ ए नॉमिनी, नॉमिनी के क्या राइट्स हैं, वो नॉमिनी के राइट्स क्या है। देखिए, नॉमिनी इज ए ट्रस्टी, इज ए ट्रस्टी के साथ साथ नॉमिनी के वो क्या है, उसको आप कस्टोडियन कह सकते हैं, कस्टोडियन और केयर टेकर। ही इज नॉट ओनर, वो नॉमिनी ट्रस्टी है, पैसे का मालिक नहीं है, कस्टोडियन है, उसकी देखभाल जब तक वो लीगल हेयर्स में नहीं जाती है तब तक वो उसका ट्रस्टी है, कस्टोडियन है या केयर टेकर है, वो ओनर नहीं है। यहाँ पर काफी लोगों को इस विषय के में अनभिज्ञता है, वो नहीं जानते हैं, वो नॉमिनी को ओनर समझते हैं, जबकि नॉमिनी ओनर नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, राइट ऑफ नॉमिनी में ही इज ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है, जो एक ट्रस्ट के मेंबर्स के देखभाल जिसका काम है, ओनर नहीं है। इसी तरह कस्टोडियन है, संभाल किसी चीज का संभालने वाला, केयर टेकर है। ही इज नॉट ओनर, ओनर नहीं है, क्योंकि अगर नॉमिनी ने प्रोसीड्स बैंक से निकाला, पैसा निकाला, और उसके स्पोर्ट्स ए नॉमिनी था और किसी के बी सी डी, ये तीन और लीगल हेयर्स हैं, ये लीगल हेयर्स लीगल हेयर्स एल आर्स हैं, तो इनका भी अधिकार है, तो ये पूरा उसका मालिक नहीं है। ये इसका काम है कि इन चारों में उस पैसे को डिवाइड करे जिसका जो हिस्सा है, हिस्से के हिसाब से। तो यहाँ पर ये चीजें समझने थी कि नॉमिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन नॉमिनेट कर सकता है, कौन नॉमिनेशन नॉमिनी बन सकता है,
और नॉमिनी के क्या राइट्स हैं और बैंकर के लिए फॉर्म्स हैं। और एक चीज और, लोन और एडवांस अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में नो नॉमिनेशन, एडवांस अकाउंट जैसे आपका रनिंग अकाउंट है, ओडी है या टर्म लोन भी है, और वहां इवन इफ क्रेडिट बैलेंस भी है, इवन इफ क्रेडिट बैलेंस नो नॉमिनेशन, नॉमिनेशन नहीं हो सकता। ये सिर्फ बैंकिंग रूल्स 1985 के अनुसार इन तीन अकाउंट्स से रिलेटेड है। और बाकी भी अगर आप म्यूचुअल फंड, LIC वगैरह में नॉमिनेशन करना जरूरी है तो भी सेम सिचुएशन है, लोन अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होना है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस ही क्यों नहीं हो। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट नॉमिनेशन। अगले में हम आपको सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनेशन और विदाउट नॉमिनेशन का सेटलमेंट के विषय में वीडियो लेके आएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कीजिए, ताकि मुझे समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। ओके, हैव ए नाइस डे।